या उनको ईमेल नहीं मिली होगी मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है लेकिन अनफॉर्चूनेटली वी आर गोइंग टू कंसीडर 12 लोग कितने लोग शुरू हुए थे किसी को याद है फिगर जब हमने एकटन स्टार्ट किया था थाउजेंड्स uh, में थे थाउजेंड्स से निकल के ये 12 लोग आए हैं पैसे तो हम दे देंगे बट टेस्ट हमने भी ठीक ठाक ही करना है <laughs> अच्छा डू वी हैव द लिस्ट ऑफ नेम्स जो 12 लोग हुए हैं अगर है तो मुझे स्क्रीन शॉट भेज दो व्हाट्सएप पे ताकि मैं देख लू और जो छह लोग नहीं अपियर हुए मुझे उनके नाम भी बता दो मैं लूंगा तो नहीं सो so, आज हैका था उनका जो सेकेंड पार्ट है उसका जो एम वाला पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है अभी लिंक आएगा आपके पास थर्टी मिनट्स होंगे डॉक्टर साहब जी थर्टी मिनट जब लिंक आएगा उसके बाद थर्टी मिनट दूंगा और डॉक्टर साहब का वैसे भी जो टेंथ सेकंड का काउंटडाउन होता है वो पांच मिनट तो ले ही जाता है तो नहीं, लेकिन आज हमने अहद किया मैंने और हारिस ने कि आज काउंट ऑन जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता ये अभी तक तो, कम्युनिटीज में लिंक नहीं गया कम्युनिटीज में लिंक नहीं गया कम ऑन गाइस गेट अप एंड वेक अप ओह चला गया नहीं गया, गया।, गया।, गया। कम्युनिटीज में मुझे देख के बता दे लिंक आया है प्लीज यार वकास को मैसेज करो प्लीज गेट दिस थिंग सॉर्टेड ताकि मैं अगली अनाउंसमेंट दूं वो एक्चुअली जरूरी है सो so, पहले जो लोग नहीं जानते कि है क्या ये बहुत पहले शुरू हुआ था कोडिंग कॉम्पिटिशन था इस बैच के एंड पे भी ये होगा जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होंगे कोडिंग टेस्ट होंगे जो जीतेगा उसको कैश प्राइज मिलेगा और भी कुछ सरप्राइजेस थे सर्टिफिकेट मिलेगा हो सकता है इंटर्नशिप मिले हो सकता है जॉब मिले हो सकता है रिमोट टास्क मिले बट वो हाथ नहीं रहेगा This is happen. हमने हजार से से ऊपर लोगों स्टार्ट किया, trickle down करते 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 18 लोग एमसीक्यूज में आए में, कितने 20 बीस लोग MCQs में तो थर्टी एट लोगों ने क्वालिफाई किया फॉर राउंड अब उन थर्टी से बारह सबमिशन हमारे पास आ चुकी हैं एम के लिए भी हम आपको लिंक देंगे अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे कर लीजिएगा हैकत वाले बच्चे अपना एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे लेक्चर क्या होगा कि हम थोड़ी बेसिक्स पे बात करेंगे हेयर एंड देयर और वो थर्टी मिनट अपना एग्जाम पिक करेंगे मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कम्युनिटी में लिंक चला जाए और मुझे गोहेड आ जाए ताकि जो लोग अभी वेट करते हैं कुछ लोगों को आदत होगी है कि कम्युनिटी में लिंक जाएगा तभी हम ज्वाइन करेंगे तो लेट्स नॉट

और हमने जो पहला बैच है वो हमने स्टार्ट भी इस तरह से किया था कि इसमें मैट्रिक के बच्चे भी हैं इसमें हाउस भी हैं इसमें मदरसे के स्टूडेंट्स भी हैं सो तो वो बड़ी डाइवर्स एक पॉपुलेशन तो उन सब को इनक्लूड करने के लिए हमने हैकाथन में एक थ्योरी का पार्ट रखा ताकि उन लोगों को भी एक इक्विटी जो है वो मिल सके इस हैकाथन में और इस प्राइज में और उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए वो ज़्यादा से ज़्यादा एआई को लर्न करें और एक प्राइस के बारे में बता दूं कि जो हम पांच लाख देने जा रहे हैं इसके अंदर एक मेजर हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानी का एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो कहीं से मुझे उसने ढूंढ लिया फॉलो अप लिया इंसिस्ट किया और उसने कहा कि मैं देना चाहता हूँ मैंने लिया एक सर्टन पार्ट और मैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं जब पहुंचा दूंगा मैं उसको एविडेंस भेज दूंगा उसने मुझे मना किया कि मेरा नाम मत लेना नाउ ही इज क्लाइंट एज सो लेकिन आ, उसने आप लोगों के लिए दिया मैंने पहुंचा दिया क्योंकि वो इनफ नहीं था तो उसके बाद जेवन सोल्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया ताकि अब जो टॉप के फाइव कैंडिडेट्स आ रहे हैं अच्छा ये फाइव से ज्यादा भी हो सकता है अगर आज के कोई कहीं पर टाई हो रहा है या जो हम वाइवा लेने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं तो हम प्राइस को डिवाइड कर देंगे ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले ये अंदाजा हो कि सब ने जीता है जीत की फीलिंग सबको आनी चाहिए सो दिस इज वट वी गोना डू और देन वी विल से थैंक यू वेरी मच फॉर द पर्सन जिसने आप लोगों को अकोमोडेट किया और मजे की बात होता हूँ और भी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी आए जिन्होंने ऑफर की कि यार आप हमसे ले लो डोनेशन और आप यहाँ यूज़ करो और हमने माजरत की उनके साथ क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है और कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो वो इसी लेकिन अभी फॉर यर्स टू कम आई डोंट थिंक सो नीड एनी थिंग अपार्ट फ्राम योर अटेंशन डेडिकेशन फोकस मेहनत मेहनत के बगैर होना नहीं है मैं डरता हूँ उस वक्त से डॉक्टर साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग छः महीने सात महीने गुजरते हुए टाइम नहीं लगता और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर क्लास से चैंपियंस निकलते हैं हर क्लास से लूजर्स निकलते हैं चैंपियंस वो होते हैं जो डे वन से फोकस के साथ अटेंशन टू डिटेल और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं इन चार चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अटेंशन टू डिटेल इसलिए देते हैं कि यार कुछ रह तो नहीं गया चार चीज़ें पढ़ाई गई हैं तो आठ में खुद से करके हूँ अगर पाइथन के तीन मैथड्स तीन हमें कंपोनेंट्स पढ़ाए गए हैं तो चार से पांच कंपोनेंट मैं खुद कर सकता हूँ अगर किसी बच्चे ने उनको एक दफा प्रैक्टिस किया तो मैं दस दफा प्रैक्टिस करूं इसने आठ घंटे काम किया तो मैं दस घंटे काम करूं डे वन से जब आप ये करना शुरू करते हैं तो फिर मैटर नहीं करता वो छह महीने या आठ महीने क्योंकि आपकी सक्सेस अल्टीमेटली एक एक यू नो एक कुन की मौत आ जाए और वो किसी भी टाइम आ जाता है आपकी इंटेंशन आपकी डेडिकेशन देखकर एंड डेडिकेशन कि आप अगर अपने आप एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हो इन फ्यूचर क्यों भाई इरादा क्या है क्यों देखते हो पैसे आएंगे क्या करोगे कामयाब हो क्या करोगे बांटोगे या फ्लैक्स करोगे पैसे आएंगे क्या करोगे मोबाइल खरीदोगे गाड़ी खरीदोगे या पहले फैमिली को सपोर्ट करोगे किसी गरीब का हाथ पकड़ोगे क्या करोगे जो करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है और नीयतों के राज जो जानता है वो बहुत क्लियरली जानता है सो सक्सेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड आपके इंटेंशन के साथ और साथ में आपकी कंसिस्टेंसी फोकस अटेंशन टू डिटेल एंड हार्डवर्क के साथ और इरफान ये आप बहुत अच्छा करते हैं बार बार बताते हैं क्योंकि ये भी सॉर्ट sort ऑफ of एक प्रोग्रामिंग है माइंड की प्रोग्रामिंग है देखिए स्टार्ट में हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता आप जब बार बार अपने आप को प्रोग्राम करते हैं अपने आप को बताते हैं कि यार आई कैन डू दिस मुझे कंसिस्टेंसी से काम करना है मुझे एफर्ट से काम करना है तो आप अपने जो बैरियर्स हैं वो खत्म कर रहे हैं जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा यार ये काम मैं नहीं कर सकता ये जो लफज है ना कि मैं नहीं कर सकता सडनली ये आपके अंदर की मोटिवेशन और आपकी जो कैपेबिलिटीज है ना उस पर एक अपर लिमिट लगा देंगे कि आपका ब्रेन आपको कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं बेशक वो बहुत मुश्किल काम हो तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि यार मुझे अब इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है और एक बैक एंड पे एक थ्रेड चलना शुरू होगा और आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे तो ये जो बार बार हम आपको ये चीजें बताते हैं इसकी एक रीजन ये है कि आप इसे इतनी बार सुने कि ये आपके माइंड के अंदर एक थ्रेड की तरह चलना शुरू हो और जब भी आप कोई मुश्किल टास्क देखें तो आपके जेहन में आए कि यार उन्होंने भी तो किया था बाकी भी तो करते हैं मैं भी कर सकता हूँ सिर्फ ये जो एक फर्क है ना कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये कर सकता हूँ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो आ, हम कब रेडी तो बिग, बिग न्यूज हम कब दे रहे हैं इनको हैकाथॉन का टेस्ट, है टेस्ट शुरू करें आर एस है लिंक आपका आ, सर, भेजो तो मुझे बताए ना आपको आई विल जस्ट सी दैट जैसे लिंक जाता है मुझे बताओ शुरू करें वी आर गोइंग टू सेंड यू द लिंक इन फ्यू मिनट्स याद रखें लिंक रिसीव होने के बाद आपका टाइम काउंट शुरू होगा जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम देने जाएंगे और हम पाइथन पढ़ने जाएंगे और जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके थर्टी मिनट एग्जाम पे फोकस करें थर्टी मिनट बाद आएंगे तो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी पाइथन आप रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं लेकिन आपका एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ई मेल सेंड होगीथन इज ऑन द वे आप लोगों को ईमेल रिसीव हो गई है जो 20 बच्चे हैं हैंकाथन के अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं आपको ईमेल जा चुकी है आपका स्टार्ट हो गया, के दस पे का हो हम वो क्विज क्लोज कर देंगे सो गुड लक एंड वी आर लुकिंग फॉर्वर्ड टू इट अब हम मूव करेंगे पढ़ने के लिए पाइथन के हमने अगले सब्जेक्ट पढ़ने कहा लेट मी सेवन वाले पे किया आपने? So बेटा मेरा आ इसको ना क्लोज कर दिया जो मेरी चीजें खुली होती है मेरी मशीन खोलते हो और ब्लाउज दिस एंड इसको भी आपको like okay? so इसको रिप्रेजेंट करना स्लाइड कुछ स्क्रीन को, को शेयर कर दो मैं आर एस वॉर्ट के लिए लेक्चर नंबर अलेवन जी हेयर वी गो आप देखें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर नंबर ग्यारह की वाइल्ड लूप एंड फंक्शंस या आई थिंक वी गुड है आर एस प्लीज कम है और बिल द बेसिक बट आई डोंट से आप बहुत डिटेल में जाओगे कीप गोइंग और मुझे आप कोडिंग में जल्दी लेके जाना है जहाँ पे ग्रोथ okay. होगी तो आई एल कम एंड एडजस्ट एडजस्ट द कैमरा जाना ओके असल एवरी वन सो लास्ट लेक्चर की थोड़ा सा हम उसको कंटिन्यूटी को बना लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग हम लोगों ने लूप स्टार्ट किए थे लूप्स के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप के ऊपर प्रॉपर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस uh, कर ली थी कोड uh, हमने एग्जीक्यूट uh, किया था तो लास्ट लेक्चर से हमारी थोड़ी सी रिमेनिंग एक चीज रह गई थी वाइल्ड लूप की ठीक है तो वाइल्ड लूप को हम आज कवर करेंगे और हमारा जो मेन uh, आज फोकस होगा वो फंक्शन होंगे पाइथन के अंदर ठीक है so, सो uh, ये हमारा आज का एजेंडा है और एजेंडा के ऊपर जैसे मैंने आपको अभी बता दिया फॉर लूप्स हमारा आ, हमने कवर किया था वाइल्ड लूप हमारा पेंडिंग पे था सो so लूप पे आ जाते हैं सबसे पहला पहला डिफरेंस कि सर हमने तो फॉर लूप ही पढ़ा था और हम वायल्ड लूप भी पढ़ रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है फॉर लूप और वाइल्ड लूप में बेसिक एक डिफरेंस ये है कि आप फॉर लूप तब यूज करते हैं वेन यू नो कि आपने कितनी दफा एक टास्क को रिपीट करवाना है आपकी रिपोर्टेशन कितनी है आपको पहले से ये पता होता है तो आप फॉर लूप यूज करते हैं व्हाइल लूप वहां पे आता है जहां पे यू डोंट नो कि आपका जो काम है वो कितनी दफा रिपीट होना है बट आपको बस ये पता होता है कि मेरे पास एक कंडीशन है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये काम होता रहेगा और आप उसकी जगह व्हाइल यूज करते हैं व्हाइल जब तक आगे कंडीशन है जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप उसको परफॉर्म करते जाते हैं ठीक है एग्जाम्पल uh, आपको uh, एक स्टोर uh, के अंदर कोई आप ऑफर लगाते हैं ठीक uh, बल्कि कंपनीज जो है ना वो uh, आप कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली ठीक है कार के ऊपर होता है कंपनी आपको एक कंडीशन दे देती है वारंटी के ऊपर कि अगर आपने इसको तीन साल तक इसके इंजन को इस्तेमाल कर लिया या आपने सिक्सटी थाउजेंड किलोमीटर्स जो है उनको पूरा कर लिया uh, अपने इंजन के ऊपर तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी तो अब उनको नहीं पता कि ये कितनी जिस, जिसे कहते हैं ना कि आ, कितने डेज लगेंगे कितने आ, जो है ना उनको आवर्स लगेंगे बट उन्होंने सिर्फ कंडीशन सेट कर दी है लूप आपका चेक करता रहेगा जब भी आप आ, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा कि आ, क्या उसके जो है वो किलोमीटर्स पूरे हो गए नहीं हुए कंटिन्यूटी उसकी वारंटी कंटिन्यूटी में है क्या उसके उसका डेज पूरे ईयर पूरे हो गए नहीं हुए तो उसकी वारंटी कंटिन्यू कंटिन्यू में है अगर दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसकी आ, जो वारंटी है वो खत्म हो जाती है तो आपको नहीं पता कि आपका काम कितनी दफा रिपीट होना है बट आपको कंडीशन मालूम है कि ये शर्त जब तक रहेगी वैलिड रहेगी काम मेरा चलता रहेगा तो आप वाइल लूप यूज करते हैं ओके यहाँ पे आ, थोड़ी सी मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि इस स्टेटमेंट भी आपकी कंडीशंस चेक कर रही होती है कि अगर ये काम ना हो ठीक है ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो बट उसके अंदर रिपीटिशन नहीं होती ये याद रखना आप लोगों ने इफ कंडीशन के अंदर आप सिर्फ कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं काम रिपीट नहीं कर रहे होते के लिए हमेशा लूप यूज करना आपने और लूप के अंदर भी कंडीशन आप टेस्ट कर सकते हैं तो so ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट एवरी वन जैसे हमारा का टास्क खत्म होगा तो हम डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए वो लिंक दे देंगे बाकी लोगों को ताकि आपको भी अंदाजा हो कि किस किन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बच्चों ने पैसे हैं हम तो actually, लिए हमसे यू कैन टेस्ट तो ठीक सो पाइथन के अंदर भी uh, आपके पास लूप किसी तरीके से यूज होता है ताकि आप उसको जब खुद कर रहे हो तो uh, अच्छे तरीके से पढ़ सेकंड जी जी सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन एक और क्विक uh, अनाउंसमेंट uh, इस सेशन के एंड पे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सेशन के एंड पे uh, कोई जॉब ओपनिंग्स आई हैं हमारे एंड पे जहां मुझे दो लोग मुल्तान में चाहिए दो लोग मुझे पिशावर में चाहिए फ्रंट एंड डिवेलपर उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा डिटेल में आपको दूंगा फॉर्म में आपको दूंगा जो आप लोगों ने फिल करना होगा और मुझे इन हाउस चार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पेड फुल टाइम जॉब इन सेवन सोल्यूशन सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन और डिटेल दूंगा फॉर्म फिल मैं ऑनलाइन ही करा लूंगा और मैंने कहा था कि जहां जहां हमारे पास ऑपर्चुनिटीज बनती जाएंगी मैं आप लोगों को देता so okay. so, वायल का कीवर्ड यूज होगा आगे आप अपनी कंडीशन करेंगे और कंडीशन के अंदर कंडीशन के फौरी बाद वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी वो लूप की बॉडी होगी ओके okay. सो so, बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस किया था कि लूप्स आपका स्टार्ट हुआ आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ जैसे ही कंडीशन के ऊपर पहुंचेगा कंडीशन को चेक करेगा अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा जो लूप की स्टेटमेंट्स आपने बॉडी के अंदर मेंशन की हुई है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी और ये लूप ये साइकिल रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है अदरवाइज फॉल्स की स्टेट uh, में वो जाएगा लूप एग्जिट हो जाएगा आपका वाइल के अंदर लूप एग्जिट खत्म होने का या एग्जिट होने का एक ही केस uh, है वो ये है कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए बट फॉर लूप में क्या है फॉर लूप में ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल काउंटर लगाया हुआ है कि अगर जो है वो uh, आप दस दफा चलाना चाहते हैं तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि ये इक्वल टू टेन है या लेस देन टेन है तो जो है वो चीज एग्जीक्यूट होती रहती है वहां पर लूप आप अपनी uh, मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करते हैं So, सबसे पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और आ, आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपने जो नंबर्स हैं वो लेस देन फाइव जो नंबर्स हैं उनको आपने प्रिंट करना है यूजिंग वाल लूप मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाया कि करंट नंबर करंट नंबर मेरे पास उसके अंदर मैंने वन रख दिया है ठीक है और आ, लूप में डिफाइन करने लगाऊ कि वायल का कीवर्ड यूज किया और आपके पास मैंने एक कंडीशन यहां पे मेंशन की ये मैं कंडीशन हाईलाइट करने लगा हूं व्हाइल करंट नंबर इज लेस देन 5 जब तक मेरा जो एंटर किया हुआ नंबर है वो 5 से छोटा है तो क्या कर दो वो नंबर प्रिंट कर दो ठीक है और उसके अंदर हर दफा एक नंबर ऐड करते जाओ इंक्रीमेंट करते जाओ और जैसे ही वो 5 से आ, के इक्वल आए जो आपका लूप वो ब्रेक होगा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये फोर तक आ रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस uh, टेन कर देता हूँ और देन एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये अब आपके पास लेस देन फाइव तक की अब हमें नहीं मैंने रेंडम एक नंबर एंटर कर देना मुझे नहीं पता कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा वो अपनी कंडीशन को देखेगा और एग्जीक्यूट होगा उतनी दफ़ा इसी तरीके से आ, आपके पास एक आ, प्रोग्राम है कि आपने कैलकुलेट सम ऑफ द फर्स्ट टेन कैलकुलेट करना है मेरे पास नंबर uh, के एक मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर वैल्यू है मेरे पास वैल्यून अपर लिमिट मैंने सेट कर दी ये वो नंबर है कि मैंने द, पहले दस नैचरल uh, नंबर्स का सम uh, निकलवाना तो मैं यहाँ पे वैल्यू टेन कर दूंगा अगर मैंने सौ नंबर्स के निकालना तो मैं यहाँ पे uh, जो है वो हंड्रेड कर दूंगा वैल्यू टोटल सम मैंने वेरिएबल एक इनिशलाइज करवाया उसमें वैल्यू जीरो है और करंट नंबर वन uh, ये मेरा वो वेरिएबल है जो कि मेरे लूप को uh, जो है वो कंट्रोल करेगा तो ये लूप के जो uh, वेरिएबल्स होते हैं ये उसके अंदर ऐड होता है कि लूप लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल्स भी इनको कहा जाता है सो so, मैं uh, को डिफाइन करते हुए मैंने वायल का कीवर्ड यूज किया और मैं कहता हूं कि जब तक मेरा करंट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू जो नंबर है जो मैं मैंशन कर रहा हूं अपर लिमिट उसके इक्वल नहीं आ जाता क्या क्या, क्या काम करो सम के अंदर जो मेरा करंट नंबर है वो ऐड करवाते जाओ और उसको टोटल में ही सेव करवाते जाओ और करंट नंबर के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ देखें अगर ये जो करंट नंबर मैंने आपको बोला था ये वाला वेरिएबल आपके लूप को कंट्रोल करता है किस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि इसके अंदर हमेशा एक वैल्यू एड होती जा रही है और यही यही वेरिएबल जो है वो आपकी कंडीशन में भी चेक हो रहा है तो ये वेरिएबल्स आपके लूप के अंदर बड़ा क्रुशियल जो रोल है वो प्ले करते हैं इनके अंदर आपकी कोई मिस्टेक हो लास्ट स्टेट जरा हाईलाइट करो करंट नंबर इज इक्वल टू करंट नंबर प्लस 1 जी यहां पे वेरिएबल uh, का कांसेप्ट जो आप लोगों को पहले समझाया हुआ है जरा गौर करें तो करंट नंबर के अंदर एक ऐड हो रहा है और फिर करंट नंबर के वेरिएबल में ही दोबारा जा रहा है सो so, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर रिप्लेस कर रही है ठीक है और आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आगे थोड़ा सा एडवांस ना हो जाए मैं कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को बट ये भी याद रखना है कि जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिप्लेस करा रहे होते हो वो टेम्परेरी वैल्यू होते हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज कर रहे होते हो ये जो लॉजिकल आपको एरर्स आएंगे ना कुछ आगे जाके वो लॉजिकल एरर्स आपको इस वजह से आते हैं आपको समझ नहीं आती कि शुरू में इस वेरिएबल के अंदर क्या रखा था और आगे से निकला क्या कबूतर वाला काम होता है कि इसके अंदर रखा मैंगो था एंड में एप्पल निकला है इसके अंदर से ये बीच में मैंगो से एप्पल बना कैसे है और फिर उसको डिबग करके ढूंढ रहे होते हैं सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं या उसको एम टी कर रहे हैं तो आपने ट्रैक रखना है कि वो वैल्यू जो है आप रखवा रहे हैं एंड तक प्रोग्राम में वही वैल्यू चल रही है क्योंकि ये देखेंगे जब इस करंट नंबर के अंदर एड ओ के एक वैल्यू आएगी वाइल लुप दोबारा चलेगा तो करंट नंबर ऊपर चेंज हो गया सो आपने बताया ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह आप अभी इसको वेरिएबल ही कंसिडर करें ठीक है ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास देखें कंडीशन जो है वो लूप प्रोग्राम को मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया है तो आपके पास जो लूप की कंडीशंस थी वो चेक होती गई और एट द एंड जब आपका जो नंबर है वो यहाँ पर वो नंबर आया जिसने यहाँ पर आके कंडीशन को फॉल्स किया यहाँ अब कौन सा नंबर आके कंडीशन को फॉल्स करेगा यहाँ पर जब तक वन से हम स्टार्ट हुए थे करंट नंबर के अंदर जब वैल्यू टेन आ जाएगी

जब लूप तीसरी दफा चला इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है तीन इसकी वैल्यू कहां पर रखवा रहे हो यहाँ खुद इनिशियलाइज है। कहते हैं कि वेरिएबल है। की वैल्यू जो है वो हार्ड कोड की हुई है कि हमें पता है कि इन एनी केस इस वेरिएबल के अंदर ये दस से ज्यादा नहीं होगा हमने हार्ड कोड कर दिया इनिशियलाइजेशन के दौरान ही वेरिएबल इनिशियलाइज करते वक्त हमने उसको हार्ड कोड कर दिया और हमें यह पता है कि हर आइट्रेशन के दौरान जब ये इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वो चेक कर रहा है इसके साथ जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी हम आगे एक्शन करेंगे अब मुझे सिर्फ ये कमेंट करके बताएं कि ये लूप ब्रेक कब होगा ऐसा कब होगा इसमें कितने नंबर आए कि यह कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो जस्ट टेल मी द नंबर इन द कमेंट कि इसके अंदर क्या वैल्यू आए कि यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਆਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੋ ना ओके okay. अच्छा एक सेकंड ठहर जा ठहर जा दस मुझे पता था दस कहेंगे आई न्यू इट मैंने क्वेश्चन इसलिए फेंका था क्योंकि इन पूरे लूप के दौरान आप इस 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 ऑपरेटर को तोज्जो नहीं दे रहे थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर ये लेकिन था ठाट एंड नाइन भी आया हुआ है इस ऑपरेटर का मतलब क्या है जी ओके समझाने को कह रहा हूं भाई आपको okay. देखें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं कि आप जब दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं और यहां पे देखें कि आपके पास लेस देन और इक्वल टू अब इसमें दो कंडीशन चेक होंगी और वो और के केस में हो रही है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका काम आगे चलता रहेगा तो आ... उर्दू में बता देते हैं वो ये कहता है कि या तो बराबर हो या छोटा हो अगर दस आएगा दस तो बराबर है दस के तो इसका मतलब ये है कंडीशन ट्रू हो गई हमने अलाउ किया हुआ ना कि बराबर हो सकता है अलाउ किया हुआ ना तो इसलिए वो आगे चला गया देखिए जो प्रोग्रामिंग का माइंड सेट मैं शुरू में पहले लेक्चर में बोलता आ रहा हूँ आपको प्रोग्रामर की तरह सोचना है और बहुत से बच्चे अटेंशन टू डिटेल ना देके छोटी चीजें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से नॉलेज में गैप्स रह जाते हैं और वो नॉलेज गैप्स इवेंचुअली आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो ये डिफाइन करते हैं यू गोना बी अ गुड कोडर और बैड कोडर सो प्लीज आप उसको जरा हर एक लाइन एक अगर यहां ये जो डला हुआ ना कॉलन डला हुआ ना इसकी भी वैल्यू है आप पूछें कि ये क्यों डला हुआ है अगर इंस्ट्रक्टर आपको नहीं बता रहा तो पोस्ट अ क्वेश्चन क्योंकि इंस्ट्रक्टर का लेवल इस लाइन से बहुत ऊंचा है उसके लिए शायद ये मैटर नहीं करता कि यहां सेमी कॉलन क्यों नहीं है कॉलन क्यों डाला हुआ है सर तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन थ्रो किया था आई डोंट वांट टू डाइव इनटू द डिटेल बट प्लीज पे अटेंशन जस्ट टू चेक द अटेंशन क्या होगा आगे चले ओके okay. इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है लूप के ऊपर और जो नोटबुक आपके साथ शेयर की जाएगी उसके अंदर भी जो है ना वो इसी तरह की मजीद एग्जाम्पल्स मैं मजीद एड करता रहूंगा उसमें इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगी अब यहाँ पे यह है कि मैं पिछले तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो वैल्यूज हार्ड प्रोडक्ट मेरे पास आ रही थी ओके अच्छा, okay. मैं इसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ ताकि ठीक है बल्कि एक काम ये करते हैं कि ये वाला फंक्शन मैंने इसके अंदर स्लाइड ही चेंज की हुई है ठीक है मैं आपको चला के मैं दिखा देता हूं लेकिन अब आप लोगों ने जब ये काम करने तो आपने ये आइडेंटिफाई करने के फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जीक्यूट की थी इसमें क्या एरर आया था ये मैं आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक चला है ठीक है ये बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हुई है बट आप जब चलाएंगे तो आपने यूजर से इनपुट लेनी है ये वाली लाइन आपने कमेंट करनी है और यूजर से इनपुट लेके आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और ये चीज मेंशन करनी है कि ये क्या इशू था इसके अंदर ठीक है मैं आप लोगों के टास्क बन गया सो बेसिक प्रोग्राम है कि आप कोई वैल्यू ले रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाते जा रहे हैं और काम उसके साथ एक और एडिशनल कर रहे हैं और एडिशनल ये कर रहे हैं कि जैस uh, जैसे जैसे नंबर डिक्रीज होता जा रहा है हर दफा उसमें से टू जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू अगर टेन थी तो हर दफा वो जब प्रिंट हो रही है उसमें से टू सब्ट होता हुआ जा रहा है ठीक है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ओके okay. ओके okay. यहाँ पे एक और आपके पास प्रोग्राम है कि एक नंबर अगर आप एंटर करें और आपने ये चेक करें कि वो कितनी दफ़ा थ्री से डिवाइड हो सकता है इससे पहले कि वो टेन से बिफोर के वो टेन के इक्वल या उससे छोटा हो जाए सो so, ये आपके लिए बिल्कुल इसके अंदर प्रोग्राम्स मौजूद हैं तो मुझे बार बार बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं मैं इनके अंदर दोबारा नहीं जा रहा ताकि जो है ना आप लोग इसको खुद कर सकें एक और चीज़ है बिल्कुल के एक प्रोग्राम है आपने क्या करना है कि नेचुरल नंबर्स को सम करना है जहां तक यूजर ने आपको फॉर एग्जाम्पल यूजर आपको कहता है कि मैं आपको वन से लेकर सौ तक नेचुरल नंबर्स आपने मुझे सम करके उनका मुझे आंसर देना है और मैं आपको यूजर रन टाइम पे हंड्रेड दे सकता है यूजर रन टाइम पे फाइव हंड्रेड दे सकता है तो आपने उसको सम uh, रिटर्न करना है ये मैंने ऊपर उसकी थोड़ी सी लॉजिक भी मेंशन कर दी कि सम के अंदर क्या हो रहा होगा कि नंबर्स टू जो है वो एड हो रहे होंगे सो so, ओके uh, okay. यहां पे वैल्यू uh, है अपर अपर लिमिट ठीक है सम के अंदर अभी आपके पास कुछ मौजूद नहीं है और ये कंट्रोलिंग uh, वेरिएबल uh, 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 जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो यहां पे आपके पास मौजूद है कंडीशन चेक हो रही है कि जब तक i के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू n नहीं हो जाती फॉर एग्जांपल 10 तक नहीं पहुंच जाती या इससे एक्सीड नहीं करती तो आप क्या करते रहे नंबर्स को सम करवाते रहे और उसी में स्टोर करते हैं ये बिल्कुल जस्ट लाइक ऊपर की तरह जो हमने काम किया वो था ओके okay. हमने इफ एल्स पढ़ी थी अब आप उसको लूप के अंदर भी अपने यूज कर सकते हैं सो so, uh, क्यूरी साथ साथ मेंशन की हुई है वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा यहां पे आपके पास एक प्रोग्राम है बेसिक सा बिल्कुल के प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन वन एंड एंटर्ड नंबर के यूजर आपके पास कोई नंबर एंटर करता है आपने वन से लेकर उस नंबर तक के दरमियान जितने इवन और जितने ऑड नंबर आएंगे वो आपने प्रिंट करवाने लेकिन आपने अब आप देखें

कमेंट में मुझे बताते जाएगा यहाँ पे इंट क्यों लगा हुआ ये क्या कर रहा है ठीक है तो यहाँ ऐसा आप है आप बताएं जो नए लोग हैं गुड अच्छा हो गई है कि ऐसा केस भी तो हो सकता है कि यूजर आपके तो पास नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दे जो वन से भी छोटी है तो आपने ये इस चीज़ का भी चेक रखना है कि आप वन से लेकर एंट्रेड नंबर तक करवा रहे हो और एंट्रेड नंबर अगर वन से भी छोटा हो तो आपका तो प्रोग्राम आप कैश कर कर जाएगा तो आपने ये वाली कंडीशन भी हैंडल करनी है तो मैंने पहले यह चेक किया कि जब तक यूजर की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तब तक काम करना है क्या काम करना है चेक करो कि जो नंबर उसने यूजर ने एंटर किया है उसको डिवाइड करो टू से और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है जीरो के इक्वल है इट मीनस कि वो इवन है एल्स वो क्या होगा ऑड होगा और उसको प्रिंट करते रहो <laughs> और उसके नंबर को उसमें से डिक्रीज uh, करते जाओ बाय फैक्टर ऑफ वन उसमें से एक माइनस करते जाओ फॉर एग्जाम्पल यूजर ने टेन एंटर किया था तो नेक्स्ट टाइम यूजर के नंबर में अब माइनस वन होकर वैल्यू पड़ी होगी नाइन अगली दफा लूप चलेगा वैल्यू पड़ी होगी एट तो वो डिक्रीज होता जाएगा मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और मैं इसमें एक नंबर दे देता हूं ट्वेंटी ठीक है अब ट्वेंटी क्योंकि जीरो से बड़ा है तो मेरा लूप एग्जीक्यूट हुआ और अंदर वाली कंडीशन को वो चेक करता जा रहा है हर वैल्यू के ऊपर उसने चेक किया, किया कि ट्वेंटी इज ऑड नाइनटीन इज ट्वेंटी इज इवन सॉरी नाइनटीन इज ऑड और करते करते वो वन तक आया तो यूजर की एंटर्ड वैल्यू से लेके हमने वन तक कंडीशन को चेक किया इसके अंदर जस्ट मैं अगर ये करूं कि माइनस में ट्वेंटी एंटर कर देता हूं तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ आगे मेरे पास कोई एरर मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हुआ या कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ क्यों मैंने उस चीज़ को हैंडल ही नहीं किया मैंने उसके लिए कोई मैसेज यूजर को नहीं डिस्प्ले करवाया सिर्फ क्या हुआ वो यहां पे आके लूप के अंदर फर्स्ट कंडीशन चेक हुई कि क्या यूजर का एंटर्ड जो उसकी वैल्यू है वो जीरो से बड़ी थी जीरो से बड़ी नहीं थी तो वहां से ही आपका इनिशियल कंडीशन पर ही लूप आपका वो नहीं हुआ और आपका जो सारी बॉडी थी वो ब्रेक यहाँ पे आप दो लाख ऐड कर देता लाख दफा वो और क्या वो, होगा फिर? वो, दो लाख दफा कंडीशन चेक होंगी फिर क्या होगा और दो लाख दफा वो उसके अंदर जो है वो जितने नंबर्स आएंगे दो लाख से एक के दरमियान वो तमाम वैल्यूज को चेक करेगा वो इवन है वो ऑर्डर और ये और, और वो कंप्यूटर इंटेंसिव जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और कोई आपसे पूछता है कि यार आपका प्रोग्राम कितना महंगा पड़ेगा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम्स के अंदर जो लूप लगे हुए हैं वो लूप किस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं अगर आपके अंदर डेटाबेस के आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर 2 3 मिलियन या इवन 1 बिलियन तक रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और बंदा क्या कहते थे यार एक इन रैकर्ड में से ना इरफान मलिक ढूंढना है मैं आपको एक नाम दूंगा आपने वो नाम डीबी से जाके ढूंढना आप कहेंगे वाह बड़ा तो अच्छा काम है आप एक बेहतरीन सा लूप लगाओगे चलाओगे पटाखा आपका सिस्टम बैठ जाएगा आप कहेंगे यार बढ़ गए सीरियसली ऐसा हुआ और उसके लिए आपको फिर बहुत सारा काम करना होता है तो याद रखिएगा जब आप लूप रन कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लूप कितना कॉस्टली है उसके पीछे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं वी विल टॉक अबाउट इट कि जब डेटाबेस से वैल्यू उठा रहे होते हैं तो उसको कैसे कवर करते हैं क्लाइंट साइड पे कैसे स्टोरेज करते हैं टेक्निक्स हैं बट ये जरूर याद रखिएगा कितने लूप्स हैं और अगर आपने अपना लूप को खुला बाजू का छोड़ दिया एंड ही ना बताया और वो चलता रहा तो यूजली जब हम देखते हैं ना अक्सर एप्लीकेशन के ब्राउजर क्रैश कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन हैंग हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरी लीक कर रही होती है कहीं ना कहीं इनफाइनिट लूप लगा होता है पाइथन के अंदर उसकी बहुत प्रोडक्शन शामिल है लेकिन अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने लूप्स के साइज आपको पता होना चाहिए और ये इसके लिए बड़े स्मार्ट मैथड होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहेंगे कि सर अगर मेरे पास डेटा बेस है रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ये है कि दो लाख रिकॉर्ड में से मैंने दो लाख रिकॉर्ड चला के लूप को चेक करना ही करना है तो फिर आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूँ मेरे पास तो डेटा बेस की एक्सेस नहीं है कुछ नहीं है तो हम बैचेस में डिवाइड करेंगे पहले बैच में से हमें कुछ चीज मिल गई तो हो सकता है मैं दूसरे बैच में जाना ना पड़े हो सकता है मैं इंडेक्सिंग यूज मल्टीपल जस्ट गिविंग यू ऑफ ऑफ द टॉप आप हेड आपसे कहता हूँ मैं आपको सौ नंबर देता हूँ लेकिन उन सौ रैंडम नंबर में से सौ नाम देता हूँ सौ लोगों के नाम देता हूँ उन सौ लोगों के नाम में से एक नाम ढूंढना है मैं लिस्ट में सौ लोगों के नाम रखवा देता हूँ तो जब मैं इनपुट दूंगा इरफान यार यारिस तो आप लूप चलाएंगे और उन सौ लोगों के नाम के साथ उस इनपुट के में आए हुए नाम को मैच करेंगे अगर वो मैच हो गया ठीक है नहीं मैच हुआ तो आप मैं दूसरा नाम दूंगा वो करेंगे तो मैं आपको थोड़ी टेक्निक तो आप उस की की लिस्ट को 25, 25 की चार लिस्टों में डिवाइड कर लें पहले पच्चीस की लिस्ट पर अपना लूप चलाएं नाम मिल गया तो सेवनटी फाइव टाइम आपका लूप नहीं चला बच गया पचहत्तर परसेंट एनर्जी दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक राइट फ्रॉम टुडे डोंट जस्ट बी अ कोडर

इतने भी सखी नहीं है <laughs> ओके अच्छा ये तो बात हो गई आपकी जो लूप्स के ऊपर अच्छा दूसरी चीज ये यह कि यहां तक मैं दूध नहीं रहना कि जो हमने जितने आपको बेसिक अगर प्रोग्राम्स बताए तो आप वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट करते हैं और उसी तरह के दो तीन प्रोग्राम्स मजीद बनाते रहे और उसी के ऊपर खेलते रहे जी हमें पाइथन आ गई है तो पाइथन इस तरह नहीं आएगी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस के ऊपर भी जाए और असाइनमेंट्स के अंदर भी अब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस हम और डालेंगे तो उनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है मूविंग ऑन अब आ जाते हैं पाइथन के फंक्शंस के ऊपर यहां पर सबसे पहले ये समझ लेंगे फंक्शन बेसिकली है क्या और आज आपको ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकबोन पढ़ाना चाहे इसमें आपको भी एक मशवरा पहले तो मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं जरा स्क्रीन को ना आन शेयर करो प्लीज एक बात समझ लें टीचर के लिए ना ये जरूरी है कि वेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट तो और दोनों की इंपॉर्टेंस में फर्क है टेक टेक अ अ पॉज पॉज और एंड लेट द ऑडियंस नो कि जो इस वक्त आप पढ़ने जा रहे हो वो कितना जरूरी है ताकि उनकी डिवाइडेड अटेंशन वापस आए उनका फोकस वापस आए और वो उसको तोज्जो से सुने हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनी प्रोग्राम

हम एक दूसरे का टेस्ट नहीं ले रहे होते आपके थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे होते और साथ एक दूसरे के थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे होते याद रखिए वो एक डायरेक्शन होती है कि आपको भी ग्रैप करके ले आ आते हैं ये एंगेजमेंट टेक्निक्स होती हैं व्हेन वन ऑफ द पर्सन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन आप नोटिस करें जब सवाल आता है तो तवज्जो वापस आ जाती है अदरवाइज कोई बिल भरने निकला होता है कोई दही लेने निकला होता है कोई कोई खेलने निकला होता है कोई किसी और के ख्यालों में होता है आई विल बी केयरफुल विद माई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट आई नो कि आप लोग जाते हैं कहा

फंक्शन के बाद आई प्रोमिस आई रियली प्रोमिस के हम बहुत तेज जाएंगे क्योंकि बेसिक ब्लॉक्स हो जाएंगे फिर कोड होगा कोड के अंदर मैं आज, आज आप लोगों को एक बात बता रहा हूं लिखने और अगर शेयर करनी है तो ये बाकी जो लोग अभी तक डिस्कनेक्ट है उनको शेयर कर दें कि यार अगर आप इस वक्त किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा द वे आई एम गोइंग टू टीच द प्रोग्राम नॉट जिस तरह से नहीं कि मैं को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा जिस तरह से हम सीनारी क्रिएट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर होगा ये दो तीन लेक्चर के अंदर ही एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा ये मैं क्यों कह रहा हूं और जब आप वो सीख लेंगे तो फिर किसी और शख्स अगर ये कर रहा है तो फिर उससे भी सीखो उससे भी आप नया सीखोगे क्योंकि ये जो जो सोचने का अंदाज होता है ना इसको कभी कोई ग्रैब नहीं कर सकता इस पर कभी कोई अबूर हासिल नहीं कर सकता जो सोचने का अंदाज होता है प्रोग्राम करते वक्त कोड करते वक्त जैसे मैंने लूप लिखने की बात की तो आपकी जो पूरी कामयाबी है जब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज इंशाल्लाह उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस की डेवलपमेंट होगी एंड इट डजंट मैटर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इवन आज मैं तो प्रोग्रामिंग करता नहीं हूं ना जो बच्चे हमारे या डिपार्टमेंट में जो भी लोग करते हैं प्रोग्रामिंग तो वो हमेशा सीखते रहेंगे जब तक वो कोडिंग करेंगे जब तक मैं कोडिंग अपने हाथ से करता रहा मैं सीखता रहा और मैं एक स्टेटमेंट हमेशा देता हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग आप अमीर होना तब शुरू होते हैं जब आप कोडिंग करना बंद करते हैं ये इस, इसको जनरलाइज ना कीजिएगा किसी दिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है अब अमीर होना तब शुरू होता है जब आप कोर्ट करना छोड़ते आ जाएगी समझ आ जाएगी समझ आ जाएगी पहले तीन चार साल करो ना यार तीन चार साल करो ना लैपटॉप छोड़ोगे तो पता चले क्योंकि उस वक्त आपके अंदर जब लगाते हो ना रगड़ा तो आपके अंदर एंटरप्रियल स्किल्स कॉन्सेप्ट एक्सपोजर कम्युनिकेशंस रगड़े खा चुके होते हो स्नैरू बिल्डिंग तेज हो चुका होता है लॉजिंग बिल्डिंग तेज हो चुका होता है उसके बाद ऐसे एक्सैंपल होता है जैसे आप बहुत बड़ी नॉलेज लेके छोटे से कुएं में बैठे हो उस वक्त आपको निकलना होता है कुर्बानी देनी होती है कुछ छोड़ना होता है और ये भी नहीं पता होता कि जो मैं छोड़ रहा पता नहीं वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिफाइन करता है कि फ्रॉम कोडिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप कोडिंग टू स्टार्टअप कौन मूव कर पाएगा या कौन मूव नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आज आप खुद को मेहमान समझेंगे ना इन द फील्ड ऑफ कोडिंग तो कल छोड़ना आसान होगी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ विल स्टार्ट गेटिंग रिच

करें मैं अभी नाम अनाउंस कर दूंगा जो लोगों ने विन किया है डॉक्टर साहब अब ये वो लोग हैं जिनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी कल अनाउंस करते हैं या आज ही अनाउंस करेंगे मैं देखता हूँ अभी हरस मुझे रिपोर्ट करेगा पीछे से बट आई एम हैप्पी शायद अब मैं वो चंद लोगों में से जो पैसे देके खुश हो रहा है। हम टीम एंड दैट द पर्सन फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह विल हैंड यू ओवर योर अमाना हम आपको इनवाइट करेंगे विद रिस्पेक्ट आप लोगों को हम आपकी अमानत देंगे वो अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि ये आपने अर्न की है किसी ने आप पैसा एक एक प्रोसेस के थ्रू आप गुजरे हैं और प्रोसेस हमने बहुत सख्त रखा था इट वाज अ रियली स्ट्रांग फिल्टर हाँ, एक एक कुछ मैं कमेंट्स में से चीजें आंसर करता जाऊं देखें हमारे पास ईमेल्स का रिकॉर्ड है कि किसको ईमेल डिलीवर हुई और किसको ईमेल डिलीवर नहीं हुई हमने ब्लाइंडली ईमेल सेंड नहीं की हमने टूल से ईमेल सेंड किए हैं हमें यह पता है कि कौन सी ईमेल बाउंस हुई है फिर हम उसको दोबारा किए और कौन सी ईमेल डिलीवर हो गई है और यह टूल झूठ नहीं बोलता हमने वेरीफाई किया आप, आपके ईमेल को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है ईमेल में लैंड हुई नहीं हुई अगर नहीं हुई तो क्या मसला है वो आपका है लेकिन अभी मैं किसी ऐसी चीज को एंटरटेन कर नहीं सकता अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे ईमेल नहीं मिली और मैं उसको ओवर टाइम दे सकता हूं तो हाउ वुड आई नो कि उसको वाकई ईमेल नहीं मिली क्योंकि मेरे पास तो डिलीवर आ रहा है सो वी हैव टू रिलाई ऑन इट सर

प्रमोशनल ईमेल बहुत ज्यादा आती है तो मैं उसको लेफ्ट राइट -right मारता जाता हूँ और एक दो दफा मैंने इंपॉर्टेंट ईमेल उड़ा दी और फिर मुझे क्लाइंट कहता मैंने तो की है मैंने कह मुझे तो मिल ही नहीं है तो फिर उसने मुझे ऐसे एविडेंस भेजा था फिर मैं समझ गया कि मेरी किसी हरकत की वजह से ई मेरी मिस हुई है सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट मेरी ईमेल तीन लोग पढ़ते हैं एक्चुअली मैं अकेला भी नहीं पढ़ता सो वी गुड आज जाए आर एस भाई थैंक यू वेरी मच एंड टू ऑल ऑफ यू अच्छा नंबर भी इधर शेयर कर दिया किसी ने ट्वेंटी अच्छा हमारा वो था प्रॉमिस था कि हम ये लिंक आपको देंगे हर इस रिकॉर्ड डाउनलोड कर लो सारे और पब्लिक कर दो ये लिंक उन लोगों के लिए जो सीख रहे हैं ताकि ये टेस्ट करें और ये लिंक हमेशा ओपन रहे कीप दैट लिंक ओपन ये लिंक आप वकास्बे को भेज दें वो इसको पिन कर देंगे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग मैथड्स फंक्शंस आ जा रहे फंक्शंस पूरे करो चला गया क्विज का लिंक हैकाथन का लिंक वकास के पास भेजना है चलो मैं आके देख लेता हूँ नहीं नहीं अभी लेक्चर के, लेक्षर के, लेक्षर के लेक्षर साथ लेक्चर के दौरान हमने शेयर करना है ना बच्चों को क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सेशन में एंड में मैं शायद इनकी किसी की कॉल डॉक्टर हमारी नाइन थर्टी पे मीटिंग है जी एक कॉल ले लेंगे नाइन तक चले जाएंगे भेजो आर होलजी जिनको हम वेट करा रहे हैं 48 भी आए हैं किसी के मार्क्स इंशाल्लाह जो अभी हैकथॉन का पार्ट नहीं है दिल बिकम द हैकथॉन पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच के अंदर जब हमारे इसके बाद एंड होगा ठीक है आ रहा है जी लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये लिंक अभी नहीं देना ये लिंक लेक्चर के एंड करना शुरू हो जाएंगे जब जी मैं जी आज मैं आज शायद आपको स्ट्रीम या लिंक शेयर करके कुछ लोगों अरे साथ साथ लोग फंक्शंस को, आप, आप को आगे लेके चलो एंड we'll टीचिंग नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल बाकी बोनस एक्टिविटीज हम मैनेज कर सकते हैं हमारे पास है ना लिखा हुआ सपोज okay. करें कि अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो होता है कि आपको किसी फल का जूस बनाना है लेकिन आपको सिर्फ ये बताया गया होता कि आपने ये छे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं तो आपकी जूसर मशीन बनेगी और फिर आपने उसमें अपना फल डालना है और फिर वो आपको जूस निकाल के देगा हर दफा आप जूस निकालने के लिए अपनी जूसर मशीन बनाएं और फिर उसमें से जूस निकालें कितनी अजीब सी बात है कि हर दफा आपको मशीन क्यों बनानी पड़ रही है आप एक दफा ही मशीन क्यों ना बना लें और उस मशीन को बना के सिर्फ आप उसके कुछ पैरामीटर्स कुछ कुछ रूल्स डिफाइन कर देंगे इस तरह से ये चलेगी और इस तरह से ये बंद हो जाएगी और जब आपके काम करनी है तो आप उसको साइड पे रख दें लॉजिकल सी चीज है इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने एक काम का कोड लिखा चार लाइनों का कोड लिखा वो आपका एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है सपोज करें वो आपकी एक डॉक्यूमेंट की फाइल अपलोड करने में हेल्प करता है लेकिन अब आपने किसी और जगह चार दफा फाइल अपलोड करवानी तो आप क्या करेंगे कि, कि वही चार लाइन का जो कोड है वो फिर दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे उन चारों जगहों पर ये बुरी अप्रोच है क्यों आप एक ही चीज को दोबारा बार बार बिल्डअप कर रहे हैं और बार बार यूज कर रहे हैं आपका लाइंस ऑफ कोड वो एक्सीड करता जा रहा है और हर जगह कोड की रिपीटिशन हो रही है आपका कोड जिसे कहते ना कि बड़ा एम्बिग्यस होगा आपके वेरिएबल्स रिपीट होंगे वैल्यूज आपकी मिक्स हो जाएंगी आपकी लॉजिक सारी खराब हो जाएगी तो क्यों ना एक ऐसी अप्रोच अपनाई जाए कि और ये अक्रॉस द लैंग्वेजेस है ठीक है ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही ये प्रोग्रामिंग की जितनी लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे उन तमाम में ये फंक्शंस की एबिलिटी होती है कि आप उसको एक कीवर्ड यूज करें ठीक है और उस कीवर्ड की बदौलत होगा ये कि वो एक एक आपके पास एक फंक्शन जिसको हम अपने तौर पर तो एक फंक्शन कह रहे हैं लेकिन आम अल्फाज में एक बात करें तो आपके पास एक बना बनाया डब्बा बन जाएगा और वो डब्बा आप उसकी खसूसियत क्या है कि आप ने उस डब्बे को बनाकर सौवीं मंजिल पर रखा हुआ लेकिन आप पहली मंजिल से उस सिर्फ उसका नाम बोलेंगे और उसकी जो रिक्वायर्ड चीज है फॉर एग्जांपल, वो आप उसको बताएंगे वो आपका काम करके सौवीं मंजिल से आपको आपको पहली लाइन के ऊपर आपका जवाब मिल जाएगा फंक्शंस आप एक दफा बनाते हैं और उसको प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज करते हैं इसका एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है ड्राई डी आर वाई डोट रिपीट योर सेल्फ ठीक है तो फंक्शन आपने एक लाइन ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया उसका एक specific नाम रख दिया फंक्शन आप आपने, वो वो, वो आपने बनाया है सपोज आपने दो नंबर को जमा करने के लिए बनाया है तो आप उसका नाम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे आ, आ, sum of two numbers. इस तरह से आप उसका एक रेलिवेंट नाम देंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई हो कि ये चीज मैं किस तरह से यूज कर रहा हूं अब यहां पे एक और चीज है वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको दो किस्म के फ़ंक्शंस प्रोवाइड करती हैं एक इन जो उन्होंने खुद से आपको बना के दिए हुए हैं छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग एबिलिटी है आपको उस पर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करनी पड़े फॉर एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल हमने इस तरह देखी थी कि आप स्ट्रिंग्स के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि आप स्ट्रिंग को अपर केस में शिफ्ट uh, कर सकते हैं लोअर में लेके आ सकते हैं आप उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं जस्ट बाई का नाम लिखा और उसके अंदर वो रिक्वायर्ड चीज डाल दी कि ये स्ट्रिंग को मुझे आपने चेंज करके देना है तो आप उस फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग डालते हैं आपको नहीं पता पीछे क्या कोड लिखा हुआ है क्या लॉजिक चल रही है सिर्फ आपको वो आउटपुट एग्जीक्यूट करके दे रहा है ठीक है तो functions, वो functions जो आपको कोई भी programming language पहले से मुझे, आ रहे हैं, आ, इट्स, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है पर मैं कंट्रोल कर जाता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक जर्नलमैन कह रहा है कि हाँ मैंने फॉर्म सबमिट किया आठ बज के दस मिनट पर तो लाइव में आप लोगों को पता है ना हमने काउंट डाउन भी ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह मिनट पे शुरू किया दो मिनट हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 39 पे, राइट? Right? तो हाउ कैन यू क्लेम दैट दस पे किया था गूगल क्लोज नहीं हुआ ठीक hmm. है? और गूगल फॉर्म मेरी लास्ट स्टेटमेंट के लास्ट वर्ड के सांस लेने के बाद इसने क्लोज किया टू नॉट मेक सच स्टेटमेंट जो आपके टीचर को हर्ट करे टू नॉट यूज यू नो दिस काइंड ऑफ एलिगेशन क्योंकि अगर हमने आप मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ यहाँ तक लाए हो ना हजार लोगों से लेके यहाँ तक लाए हैं ना तो हमें एक मिनट देने में कोई मसला नहीं था बट वट वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर डिसिप्लिन फॉर स्ट्रेस हैंडलिंग फॉर प्रेशर हैंडलिंग मैं आपसे सवाल करता हूँ वो आठ बज के नौ मिनट पर क्यों नहीं सबमिट हुआ भाई आठ अट्ठाईस आठ बज के आठ मिनट पर क्यों नहीं सबमिट हुआ आठ पाँच पे क्यों नहीं सबमिट हुआ यू नीड टू लर्न दैट जिंदगी आपको आपने दुनिया में जाके ये नहीं करना कि मेरे लिए ये कर दो मेरे लिए ये कर दो मेरे लिए ये कर दो आप जा रहा किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मिनट लेट होकर दिखाएं वहीं से आपको वापस भेजेंगे एक मिनट की वैल्यू को समझे जिंदगी में अगर आप नहीं समझेंगे तो सारी जिंदगी कंप्लेंट्स करते रहेंगे मेरा पांच मिनट नहीं वेट किया दिस इज आई आई कैन नॉट नॉट एक्सेप्ट दैट प्लीज डू से दिस अगर आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो उसको पहले वेरीफाई करें प्लीज कंटिन्यू करेंटिन्यू मैं आपको बता रहा था कि जो बिल्ट इन फंक्शंस की बात हो गई उसके बाद अब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यह आपको भी फैसिलिटी दे दी कि आप अपनी मर्जी के जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ऑब्वियसली अब जब आप इंडस्ट्री लेवल के ऊपर कोर्ट करते हैं तो वो कोड कोई छोटा कोड तो नहीं होता वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड होता है मल्टीपल फाइल्स उसमें कोड्स की वो इंक्लूड होती हैं तो अब अगर आप अपने कोड को एक ही गो में एक ही फ्लो में लिखना शुरू कर दें तो सोचें कि एक बंदा जिसने फाइल आपकी एग्जीक्यूट की है आपका कोड एग्जीक्यूट किया और वो देख रहा है कि मेरे पास तीन हजार लाइन कटी एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद मेरे पास जवाब आ रहा है अब उसको यही नहीं पता चल रहा कौन सी वैल्यू किधर जा रही है और कहां से मेरे पास एट दी एंड आंसर निकल के आ रहा है आपका कोड रीडेबिलिटी तबाह हो गई कि, कि किसी ने अगर आपका कोड समझना है खत्म आप खुद भी कोड लिख रहे हैं थाउजेंड लाइन्स पे आप पहुंचे और आपको प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आपको यही नहीं पता कि कोड आपका खराब कहां से और आपकी लॉजिक इधर खराब है फंक्शन तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका कोर्ड डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है आप एक बिगर प्रॉब्लम का हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिस्कशन की थी बिगर प्रॉब्लम का स्मॉलर प्रॉब्लम में तोड़ते हैं स्मॉलर चंक्स में तोड़ते हैं तो आप उस इंडिविजुअल चंक का कोड करते हैं आप हर प्रॉब्लम को क्या करते जाते हैं उनका फंक्शंस बनाते जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं कि मेरे पास एक चैट बॉट है चैटबोर्ड के अंदर आपके पास एक यूजर आएगा यूजर आपके पास फाइल अपलोड करेगा और एट दैक एंड पे बहुत सारा काम होगा यूजर की स्क्रीन के ऊपर वो पूछेगा वट इज वट इज द डॉक्यूमेंट अबाउट ये डॉक्यूमेंट किस चीज के बारे में था ये गिव गिव मी द समरी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट तो उसको तो आउटपुट चाहिए एट दी एंड लेकिन अब क्या हो रहा है मैं आपको बैकहेंड पे दिखाता हूं कि किस तरह से ये कोड चलेगा फाइल यूज़र ने अपलोड की तो आपका प्रोग्राम का पहला सबसे पहला हिस्सा ये होना चाहिए वो फंक्शंस होने चाहिए जो उस यूज़र उस को वो फाइल अपलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहला फंक्शन होना चाहिए फाइल अपलोड का अब उसके अंदर आपके पास फाइल आएगी अब यहाँ पे मजीद आप उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं कि मैं मैंने यूजर को कितनी फाइल्स अलाउ करनी है मैंने उसको पी अलाउ करना है तो आप एक छोटा सा फंक्शन बना देंगे जो सिर्फ ये चेक कर रहा होगा कि ये पीडीएफ फाइल है या नहीं है अगर पीडीएफ है तो उसको मैंने किस तरह यूज करना है अगर वो डॉक्स है तो मैंने उसको किस तरह यूज़ करना है। अब हर इंडिविजुअल प्रॉब्लम की। और फिर okay. along the way उनको मैं सबसे पहले इसका बारे में, uh, देख लेते हैं कि जब आपने फंक्शन को डिफाइन करना है कि अब बाय डेफिनेशन क्या मतलब क्या है देखें आपने एक गाड़ी यूज कर रहे हैं तो गाड़ी यूज करने से पहले गाड़ी बनाई ठीक है गाड़ी बनाई और गाड़ी के अंदर तमाम फीचर्स को डिफाइन किया कि ये जब चलेगी तो उसके अंदर यही ऑप्शंस यूजर को मिलेंगी जो कंपनी ने बनाई है इसी तरीके से आपने फंक्शन यूज करने से पहले उसको बनाना है तो जब आप उस फंक्शन को बना रहे हो तो उसको कहते हैं इस फंक्शन को डिफाइन करना डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन तो इसलिए आप की यूज करते हैं डेफ डेफ का बाय डेफिनेशन ठीक है आगे आपने फंक्शन का नेम मेंशन करना है कि ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करता है यहां पे बेसिकली मैंने फंक्शन एक सिंपल से बनाया है ग्रीटिंग के लिए जो आपको एक सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और आगे आपने प्रेंथिस देनी है फ्रेंथिस अभी के लिए आप ये जहन में रखें कि ये लाजमी है ये आपने देनी है उसके बाद आगे कॉलन का साइन आ जाएगा जैसे ही आपने कॉलन लगा दी इट मींस आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया डेफ डेफिनेशन का की फंक्शन का नेम एंड और आपके पास कॉलन आ गया अब कॉलन के फौरन बाद जितनी लाइंस होंगी वो उस फंक्शन की बॉडी का पार्ट होंगी और जो जो लाइन आप मेंशन करेंगे वो वो टास्क वो फंक्शन परफॉर्म करेगा कब करेगा जब उस फंक्शन को मैं यूज करूंगा अब उस फंक्शन को यूज करने के लिए हम नाम देते हैं कि फंक्शन को कॉल करना ठीक है तो अब मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली है है और मैंने लिखा वेलकम वेलकम टू टू द पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं क्या करता हूं ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया अगर मैं ये जो लाइन है ये मैंने हाईलाइट की हुई है इसको मैं कमेंट डाउन कर देता हूं और मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा क्यों ये इसी तरह से है कि मैंने एक एक बंदे का नाम जो है वो एक्स वाई जी रख दिया और वो बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है लेकिन जब तक मैं उसका नाम लेके उसको बुलाऊंगा नहीं वो स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास नहीं आएगा ये आपके सामने दस लोग बैठे हुए हैं दस के सेपरेट नाम है तो जिसको आपने अपने पास बुलाना है आपको उसका नेम कॉल करना पड़ेगा इसी तरीके से यहां पर जो फंक्शन आपने यूज करना है आपने उस फंक्शन का बाय नेम उसको कॉल करना है ये फंक्शन का नेम है और कॉल करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से आपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए उसका जो नाम रखा था और लगाई थी इन केस अगर आप में कुछ ऊपर लिखेंगे यहां पर कुछ लिखेंगे आगे चल के हम ऐसा करेंगे तो आपने उसी तरीके से यहां पर फ्रांसिस के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज देनी होंगी ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब मेरे पास जो मेरी फंक्शन की जो स्टेटमेंट थी जो मैंने दी थी एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी वो एग्जीक्यूट हुई इसी तरीके से आगे चलते हैं आपके पास एक बिल्कुल सब बेसिक सा फंक्शन है कि दो नंबर्स हमने ऐड करने हैं और फंक्शन मैंने बना दिया ऐड टू नंबर्स मैंने उसका नाम दे दिया एम टी प्रथिस मैंने रखी हैं कॉलन का साइन लगाया और उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए और उसके अंदर ही दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया और प्रिंट टोटल करवा दिया अब ये देखिए ये तमाम चीजें इंडेंटेशन के अंदर हैं इंडेंटेड हैं अगर ये आपने इंडेंट नहीं की तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं होगी और एरर होगा दूसरा जो स्टेटमेंट बाहर होगी वो फंक्शन तर... खत्म हो रहा है? ओके okay. देखें यही मैं बताने लगा कि जो जो लाइन इंडेंटेड है फंक्शन की वो उसका पार्ट है फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट लाइन है ये इंडेंटेड नहीं है तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं है ठीक है तो ये आपने अच्छा किया भाई ये ऐसी है जैसे आप लोग पेरेंट लिस्ट का पार्ट होती है और जब आप नई लिस्ट शुरू करते हैं तो आप उसको उसको उस, उस, उस ले, लेवल पे नहीं स्टार्ट करते बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ब्रैकेट ब्रोकेट डाल के एंड में सेमी कॉलन डाल के बता देते हैं कि फंक्शन यहाँ आपका एंड हो गया अब आगे नया शुरू हो गया पाइथन ना ऐसे ही सलाब लेटर लिख रहे हो बैठ के ना अपनी मर्जी करी जाओ

और आगे इस फंक्शन को क्या कॉल कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं कॉल बेसिकली आपने फंक्शन ये कह, कह रहे हैं कि चलो भी मेरा काम करके दो बिल्कुल अच्छा। मेरा काम करके दो जी तो जैसे ही मैंने देखे फंक्शन कॉल किया है मेरे पास तीन नंबर से उनका सम आपके पास दो नंबर से सॉरी उनका सम जो है वो आपके पास नाइन आना ना ना था तो आपके पास वो जो है वो आ, सम आपके पास आ गया अब यहां पे भी आपने गौर मैंने फ्रांसिस में कुछ नहीं दिया ठीक है इसी तरीके से आपके पास मजीद आगे फंक्शन है इसको मैंने थोड़ा सा मजीद जो आप, आपके पास कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग की उसके हिसाब से किया हुआ तो आपने उसको ये आपने देखना है ओके okay. यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं ओके okay. ये आपके पास फंक्शन है कि जो दो वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग मौजूद है उसको आपके सामने डिस्प्ले करवाता है ये वाले जो फंक्शन हैं, सिर्फ आपकी जिसे कहते हैं ना कि साइंटेक्स की आ, प्रैक्टिस के लिए कि आपको फंक्शन बनाना आए और सिर्फ उसको कॉल करना है अब यहाँ भी एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये कि लास्ट टाइम मैंने कोई इस तरह का वर्ड यूज नहीं किया था रिटर्न का मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की थी अब रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली आपके पास क्या कह रही है कि आप फॉर आपका फंक्शन एक काम करता है आप उस फंक्शन से एक वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एट द एंड ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे एक एक वैल्यू रिटर्न करेगा बेसिकली वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है तो आप वेरिएबल वो वाला रिटर्न कराते हैं जिसके अंदर एट द एंड आपका आंसर uh, जो है वो आना होता है आप इसको ऐसे करते हो कि फंक्शन को कॉल करके रिटर्न वैल्यू वेरिएबल को रख के वेरिएबल को प्रिंट करा दो फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करो मेथड को कॉल करो मेथड के रिटर्न करेगा कोई वैल्यू उसको वेरिएबल में रखो और प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल डाल के दिखाओ फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ वाट इज हैपनिंग एक सेकेंड गाइज एक लाइन ऑफ कोड हैरिस भाई आपके लिए जनरेट कर दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे उससे क्योंकि आप जो दो स्टेटमेंट क्लेम कर रहे हो ना तो उसको प्रैक्टिकली डेमस्ट्रेशन उनकी चली जाएगी करते राइट सो right. so आपने जब भी हारिस कह रहा था कि अब यहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया उसको कहा कि भाई हमारा काम कर दो उसने काम करके ला के हमें वापिस रिजल्ट पकड़ा दिया तो हमने उससे कोई वैल्यू एक्सपेक्ट की यहां रखवाई और उस वैल्यू को प्रिंट कराया तो ये पड़ी हुई है कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जाके ये काम कर दो बट आई डोंट जैसे आप किसी बंदे को काम भेजते हैं ना कि यार जाते हुए फला दुकान पे एक मैसेज देते जाना किसी बच्चे से कहते हो यार जाते हुए ये काम करते जाना वो काम करके आगे चला जाता है उसने आपको वापस जवाब नहीं देना होता और कुछ होता है कि आप किसी बच्चे को कहते हो तुमने जाना है तुमने ये ये करके इस तरह से लाके मुझे वापिस देना तो उससे आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर मेथड हर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होगी दैट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब आप डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो मैं कोशिश मैं जब प्रोग्राम कर रहा होता जस्ट टेलिंग यू मुझे अगर जरूरत नहीं भी होती थी ना कि एक ऐसा मेथड लिखता हूं जिसकी मुझे रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए मतलब मैं कहता हूं कि जाके डेटाबेस के अंदर एक वैल्यू है हारिस लिखा हुआ है उसको इरफान कर दो मेथड ने जाके कर दिया लेकिन इन दैट केस पे एक अच्छा प्रोग्रामर कुछ ना कुछ वापस रिसीव करता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मेरा एक्शन परफॉर्म हुआ मेरा ये मानना है कि आपको इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग डू नॉट अज्यूम बी ऑलवेज बी ऑन अ सेफर साइड और फिर जब आप कुछ वैल्यू रिटर्न करवा लेते हो जैसे मैं कहता हूं कि यार जाते एक बच्चे को मैं कहता हूं कि यार जाते हुए ना ये मैसेज या मेरा ये काम करते जाना साथ में उसे कहता हूं काम करते वक्त मुझे एक मिस कॉल कर देना ताकि मुझे तसली हो जाए मेरा काम हो जाए और मैं अपनी कंपनी में जब किसी को काम कहता हूं ना तो ये जो लोग सुन रहे थे ना तो ना काम कैसे कहता हूँ अगर काम जरूरी है ना तो मैं उसे कहता हूँ यार ये आपने काम करना है करके मुझे एक मैसेज कर देना मुझे पता होता है काम हो जाएगा लेकिन एक मैसेज मुझे एक सेल्फ और मेरे माइंड में जो क्लेटर होता है वो उसको सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देता है so uh, no आपको एक एग्जाम्पल इसी को बना के दिखाऊं कि ये कैसे होगा नो no रिटर्न पे इस इसमें अगर हम इस वेरिएबल को मैथड के बाहर डिक्लेयर करें अंदर इसके वैल्यू रखवा दें रिटर्न नहीं करवाते और आगे जाके प्रिंट करा देते हैं तो क्या होगा ये मैं से कर देता हूं। मैं है फंक्शन मैंने आपको इस, के और... इस आईडिया को यूज करना मुश्किल है क्योंकि सारा दिन हम इससे बात नहीं करते हम, हम एडवांस लेवल पे होते हैं और इस टाइम हमें ये यूज करनी पड़ती है तो अभी मेथड के बाद हो जाएगा ग्लोबल अप्लाई हो जाएगा ना इसके ऊपर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूंगा उनको एंड में कॉल कर दो इसके सामने मेथड को ओके अब okay. आप, आप ये मेथड कॉल हुआ तो अच्छा सो so, अब कोई मुझे बताएगा आई नहीं इसके अंदर आंसर की जगह चेंज करो इसको एग्जीक्यूट करना जरा नन पता क्यों नन आया गेस करो क्यों नन आया आप उसके वेरिएबल के वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेअर कर दिया ना हमने हम क्योंकि हमारी जो वेरिएबल है वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ फंक्शन है वेरिएबल स्कोप समझा दें पहले इसको आगे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले आप वेरिएबल स्कोप देखिए एक कांसेप्ट होता है कि एक चीज आप एक फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन बनाते हुए आपने एक फंक्शन के अंदर जितनी चीजें बताई थी कि ये 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 तुम्हारे पास चीजें हैं और तुमने इनको यूज करना है तो जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो उसको वेरिएबल्स का नॉलेज होगा और वो उनको ही यूज करेगा ठीक है तो वो वेरिएबल को हम कहते हैं कि उसका जो स्कोप है वो लोकल है local वो लोकल वेरिएबल है कि उसको इन दैट फंक्शन उसको पता है लेकिन अगर उस फंक्शन के बाहर हम सेम वेरिएबल यूज करेंगे तो उसके उसके अंदर उस तरह की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी क्यों उसका उस फंक्शन से कोई लिंक नहीं था ठीक है कोई लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमने अब आप बताएं पढ़ा मैं जरा से को कॉपी करके मेथड के बाहर रख दो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल्स का ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज करें वो फंक्शन डिपेंडेंट नहीं होता उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो फंक्शन डिपेंडेंट नहीं होती वो आउटसाइड द फंक्शन भी वो काम कर सकता है लेकिन उसके लिए आपको ठीक करना होता है बाहर निकाल इसको बाहर इसको करना पड़ेगा। आप करने की जब भी कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा ग्लोबल फंक्शन जब आप अच्छा उनका आपको मैं ये ग्लोबल फंक्शन है उसके लिए रिजर्व आपको यूज करने पड़ते हैं देन जाके वो आउटसाइड द फंक्शन भी अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करता है अभी आप इसको मेथड पर कंफ्यूज ना करो सो वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इसको कट करके वापस कर दो वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड के मेथड की रिटर्न वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए अदरवाइज आप एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट मैथड कॉल करके वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो ये एक अच्छा ट्रिक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर विदाउट यूजिंग योर परमानेंट मेमरी आप एक टेम्परेरी मेमरी को अपनी लॉजिक बिल्ड करने के लिए यूज कर लेते हैं आई नो दिस स्टेटमेंट मेस साउंड कॉम्प्लिकेटेड आगे जाके जब हम प्रोग्राम करेंगे और डेवलप करेंगे स्किल्स तो उसके अंदर आ जाएगी असाँगे। देने, असाँगे। आ, असाँगे। देते। तो अब आपके आगे जो पढ़ा रहा है सिंगल मेथड्स और मल्टी मेथड भी होंगे जिसके अंदर आप मेथड को फंक्शन को पैरामीटर भी पास कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑफिस बॉय को

जो चाय बनेगी वो चार कप बनेगी मैंने उसको पांच मेहमान कर दिया अच्छा ये एक पैरामीटर मैंने उसको दिया जिसको मैंने एक मेथड कह रहा हूं को। अब मैं उसे कहता हूं कि यार चार मेहमान है एक को शुगर है अब मैंने उसको दो पैरामीटर दे दिए तो चार कप चाय बनी और एक में चीनी नहीं थी फिर मैं उससे कहता हूं यार चार मेहमान है एक को शुगर है एक ने कॉफी पीनी है मैंने उसको तीन पैरामीटर पास कर दिए फंक्शन एक ही यूज कर रहा हूं सिर्फ उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन उस फंक्शन को कॉल करते वक्त अपना ऑर्डर देते वक्त फंक्शन को कहते वक्त मेरा क्या काम करना थोड़ी सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन देके के ये नहीं कह रहा कि हर चीज को रिपीट नहीं कर रहा मैं सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शन पे प्ले कर रहा हूं तो इसी तरह से आप फंक्शन के अंदर जो है पैरामीटर पास करते जाते हैं जिनको आपने प्रैक्टिस खुद करनी है ठीक है अभी हम आ, आगे जाके पढ़ा देंगे लेकिन आपने प्रैक्टिस इसको अनशेयर कर दो स्क्रीन को स्क्रीन को अनशेयर करो गिव मी द माइक डॉक्टर साहब आ जाए इधर इधर आप वो लिंक जनरेट करें सो आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर मैंने कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के तहत बिल्ड कर दिया आपका दूसरा आप एक चीज देखेंगे कि, कि कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि आपने फंक्शन कॉल किया और कॉल करते ही उसने ना कुछ काम फौरन करने है उसकी तरफ हम आएंगे कि इनिशलाइज कैसे करते हैं उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम पढ़ाएंगे लेकिन अभी आप सिर्फ एक फंक्शन लिख के असाइनमेंट दे रहा हूँ पहले विदाउट पैरामीटर फिर उसको पैरामीटर पास करें गूगल से पूछे हाउ टू पास इन फंक्शन फिर दो पैरामीटर फिर तीन पैरामीटर उनको प्रोसेस करें फिर चार पैरामीटर तक जाए जितना भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करें और उसको आगे आप एक्सप्लोर करें जितना कॉन्सेप्ट बन चुके हैं मेरे ख्याल में यू नीड टू फाइट जब आप फंस रहे होंगे नहीं चल रहा होगा फिर ट्राई करेंगे नहीं चल रहा होगा फिर ट्राई करेंगे और वेंचुरी जब चलेगा तो वो आपकी नॉलेज का हिस्सा बन जाएगा फिर ये बहुत बेहतर है कि हारे आपको करके दिखाए कि आपने कैसे किया सो so, अब जो है फंक्शन के बाद हारे हमारा कोई एजेंडा है ये हम सीधा आप जाएंगे कोडिंग में परफेक्ट हम एपीआई पे जाएंगे सो so, यहां से आगे मैं एक अनाउंसमेंट आप इसको अनाउंसमेंट ही कंसिडर कर लें हारिस मुझे प्लीज करेंगे, वकास, are, uh, session, प्लीज रिमाइंड रिमाइंड इफ यू आर इन द सेशन मी वी विल लेट नो कि अब गेम चेंज होगी हर ठीक है आप प्रैक्टिस जितनी आपने करनी है कर लें अब हम थोड़ा सा जाएंगे जो पिछले सेशन में हमने कम किया था हम एपीआईस की तरफ जाएंगे अब हम एक्चुअली पैसे कमाने की तरफ जाएंगे स्टार्ट करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे बट वी विल हैव टू मूव देयर

ऐसा होता it's, it's, it's है और बेहतर करेंगे मेरी कोशिश होती है हम शुरू से बेहतर करें लेकिन फिर कॉमेंट आ जाते हैं मुझे पता है कि लोग ना मेहनत नहीं कर रहे बाजू का बेसिक कोर्स पे जाके नहीं देख रहे आई नो दैट क्या करें अपने आना भी छोड़ भी तो नहीं सकते करवाना तो है जरा औखे होंगे भाग जाएंगे नहीं चाहते कि हम वो भागें तो पता तो हमें चल जाता है मेरा टीचर मुझे कहता था कि जो जो काम करने वाला होता है ना उसकी शक्ल पे लिखा होता है मेहनत करके रात को घर से आता है ना उसकी शक्ल पे लिखा होता है मैं पढ़ाई वाले की बात कर रहा हूँ सो यू नो वर्क रियली हार्ड प्रैक्टिस फेलियर आपके अंदर जो फर्स्ट फेलियर करने का आ, लेवल डेवलप होगा ना वो आपके कोड से होगा मैं आपको नेक्स्ट लेवल एक चीज स्टेटमेंट देता हूँ कभी कभी जिंदगी में आपको समझ आ जाएगी ये जो प्रोग्रामिंग है ना कोडिंग है ये आपको रियल लाइफ मसाइल हल करने में भी मदद देगी ट्रस्ट मी आपकी बजटिंग आपकी बिलिंग आपके घर के मसाइल, आपके यूनिवर्सिटीज के मसाइल, आपके दोस्तों के दरमीन या आपको कोई मसाइल आएंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस मैकेनिज्म जो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप करता है मेरे सामने कोई केस आता है ना कंपनी के अंदर सर ये प्रोजेक्ट जो है ना लेट हो रहा है टाइम पर डिलीवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो मैं वो सारे डिबिंग स्किल्स को रिकॉल करता हूँ और फिर उनको छोटे छोटे बताओ करते मसला नजर आएगा यही साइकिल आपकी जिंदगी में सुबह दोपहर शाम चलना और ब्रेन ट्रेन हो जाता है आप हर जगह प्रोग्राम लगाना शुरू हो जाएंगे आप हर जगह लॉजिक बिल्ड करना शुरू हो जाएंगे ये तब होगा आम प्लीडिंग आई एम रिक्वेस्टिंग बार बार कह रहा हूं ये तब होगा जब आप अपनी औकात से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो आइडियाज जनरेट होना आप ले शुरू हो जाएंगे यार लिंक भेज दो यार वकास।, वकास भी आपके पास लिंक पता है वकास अब बेचारा इस, इस टाइम बैठा है तो मुझे भेज दो तो मैं इसको ऐड कर दूँ वकास अगर बैठा है तो हाँ हाँ वकास ड्राइव ना कर रहा हूं तो आप मुझे भेज दो ईमेल कर दो मैं लिंक ऐड कर देता हूँ व्हाट्सअप कर दो मुझे हम आपको अभी जो हैकाथॉन का लिंक है वो भेजने लगे हैं उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे शुरू करें और स्ट्रीमयार्ड का लिंक दे देता हूँ मैं एक आज बच्चे से बात करूंगा पहले मैं फॉर्म आपको दे दू ये फॉर्म मैंने दे दिया है ये है है हैकाथॉन का टेस्ट हमने सारे रिजल्ट्स ले लिए हुए हैं प्लीज फील फ्री टू कंसीडर कमेंट के अंदर आ गया है कहाँ गया दोबारा कमेंट कर देता हूं एक किसी और को मैंने पिन कर दिया मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं कि अपना का। ये फॉर्म स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले करा दिया है अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी हो फील फ्री देखो कि इस टेस्ट के ऊपर लोगों को पैसे मिले ये वही था ना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता था ना गुड 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 अभी काफी लोगों को सरप्राइज होंगे सो गो आई डोट द प्रैक्टिस और नौ बजे हम क्लोज कर देंगे मैं स्ट्रीम का लिंक जो है इधर कमेंट में डालू या इधर भेज कमेंट में किसी किसी को को मिलना मिलना है किसी को नहीं मिलना? आ, तो कैसे कम्युनिटी कम्युनिटी में ज्यादा हो जाएगा अच्छा कमेंट में डाल रहा हूं अगर जिसको मिल गया वो ज्वाइन कर ले स्ट्रीम का लिंक कमेंट में आ गया हमारी साढ़े नौ बजे मीटिंग है आप लोग लोकल जो आए हैं अब जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं इस वक्त मैं सिर्फ ऑडियंस को सुनूंगा जो बच... किसी को जाने में मसला तो नहीं है आपके पास है अरेंजमेंट सारा अब गाड़ी बुला रहे हैं Everybody, और आप गुड चलो कोडिंग असाइनमेंट जी आ जाएगी आपके पास विनर को मैं जरा अनाउंस कर लूँ तो फिर उसके बाद कोडिंग असाइनमेंट भी आपके पास आ जाएगी सो वी हैव पीपल मैंने आपको लिंक दे दिया है सो so, क्या हुआ हारिस

कैसे हैं आप ठीक है यार अब अगर आप ने? हम ठीक ना होते तो पढ़ाते कैसे पूरा डेढ़ घंटा ठीक ना भी वो पढ़ा जाते हैं फिर हम रात को विजिट पे निकल जाते हैं हॉस्पिटल्स के हुक्म करें क्या सवाल है आपका ये आज जैसे हम अक्सर हमें वो मिलते हैं हमारे

तो इसमें ना एक दिन रखा कर जिसपे आप हम हमसे बात कर लिया करें हम स्टूडेंट से के जो कोई क्यूरी होती है जो कोई सर वोटिंग हाँ सुन रहा हूँ <laughs> <laughs> तो ना ये सर एक बार लाइव लाइव पे आया करें सर अच्छा एक और में कोई एक, एक दिन सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं अभी कोई एक तो पूछ लो ना उन्नीस में से सर ऐसे निकालती हूँ अभी ढूंढ के लानी है

Keep going, keep going, please. मरवा अच्छा, बताओ, बताओ। जैसे आ, सर एक सर आपने कहा था कि अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है ना उसके लिए आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए सर जैसे पाइथन में हम पढ़ते हैं बेसिक पढ़ते हैं जैसे फंक्शन हो गए लू वगैरह हो गए तो यूट्यूब पर भी अगर हम पढ़े ना तो उसमें बेसिक बता देते हैं जैसे दस घंटे की वीडियो ज्यादा ज्यादा होगी और आपने कहा था कि कोर्स इस तरह से उनमें भी बेसिक ही होती है सर हम इसको परफेक्शन में कैसे लेकर जाए अगर घर बैठ के भी हमने सीखना तो कैसे बहुत अच्छा सवाल है वैसे मैं आपसे मैं कह रहा था कि शायद इतना अच्छा सवाल ना हो लेकिन आपने एक्चुअली बहुत लॉजिकल सवाल किया है और ये वाकई ही मसला है क्योंकि मैं आपका एक ही सवाल का जवाब दूंगा अब आपने ना गहरी गहरी सांस लेनी है और थोड़ी देर मुझे जवाब देने देना

जी जी ठीक है मैं आपका जवाब देता हूँ okay. देखो ये एक्चुअली होता है बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं कोर्सेस लेंगे के पास जाएंगे, एक लाख नब्बे हजार रुपया भरेंगे पाइथन सीखने का और उस बंदे से पाइथन सीख रहे हो तो जिस बेचारे को खुद इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही होती उसके बाद एडवांस लेवल तक एक्सेल नहीं कर पाता मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं तो उसके बाद आप इन, उसके मुझे ना टेम्पो खराब हो जाता है उसके बाद आप इंडस्ट्री में एक्सेल नहीं कर पाते मैन यू टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग तो मैं जब कहता हूं ना कि प्रैक्टिस करो ये एक वैलिड सवाल पूछा मरवा ने कि भाई प्रैक्टिस क्या करें आपको ये करना है जो मैंने प्रैक्टिकली किया और मेरी जिंदगी में मुझे बहुत फायदा हुआ नंबर वन मैं अपने आइडियाज को अमेजिन करता था और उनको डेवलप करने की कोशिश करता था जैसे हमें कहा जाता है यार कुछ नहीं करता तो कैलकुलेटर बना दो एक अपना कैलकुलेटर कोडिंग करके अपना कैलकुलेटर बना दो मैंने कैलकुलेटर नहीं बनाया था मैंने सबसे पहले क्योंकि टिका की थी तो मैंने ना अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था कि मैं कैसे अपने अखराजा कहाँ रखता हूँ कहाँ खर्चा करता हूँ फिर वो शाम को बैठ के सारी एंट्री करता था फिर अपनी मर्जी से कैलकुलेट करता था फिर मैं देखता था कि महीने बाद मेरे पास खाने के पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे इस तरह का मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक बनाया था वेब पोर्टल था उसके पीछे मुझे कोड करना पड़ा प्रैक्टिस थी मेरी फिर उसको मैं इनहेंस करता गया क्योंकि वो आइडिया मेरा था जब वो चला तो मुझे मज़ा भी आया मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन खुद से मिल गई तो मैं चलता गया लेकिन एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर बना लेने से आप कम्पटेटिव प्रोग्रामर की रेस में तो नहीं आओगे फिर मुझे एक बात समझ में आई और उस बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी मैं डेडिकेटेडली फॉर मैनीयर्स गिट गिटहब पे जाके इधर उधर जाके ओपन सोर्स कोड्स को डाउनलोड करता था उनको सर्वर पे डाल के चला देता था और चला के मैं उनके पीछे उनकी एग्जीक्यूशन को पढ़ता था कि इन्होंने क्लास कैसे बनाई है इनका फंक्शन डिक्लेयर करने का स्टाइल क्या है क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर स्टाइल मुख्तलिफ होता है प्रोग्रामिंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है हो सकता है एक बंदा चार फंक्शन डिक्लेयर करके काम कर एक, दो करके कर रहा हो

ओवरऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपको जो तक अभी सोचा आप आगे के आपको एक कुछ समझ नहीं आ रहा होता हर फाइल के अंदर परफेक्ट प्रोग्रामिंग होती है बट द नेम ऑफ द फाइल एंड ऑफ द फाइल एंड ऑफ होता है इसलिए कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में आखिरी ट्वेंटी परसेंट डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है तो जो मैंने टॉप से सीखा अरे इसके पास अगर हजार फाइलें हैं तो इसने स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ किस नाम से किया हुआ उस वक्त डॉट में क्या होता था एपीआई का फोल्डर होता था डाओ का फोल्डर होता था बिजनेस लॉजिक का फोल्डर होता था फ्रंट एंड का 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 फोल्डर 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 होता 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 था 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 जेएस ग्लोबल माइक्रो सर्विसेज का फोल्डर अच्छा मैंने कहा इस तरह से बड़ी हरारकी ऐसे बनती है मैनेजमेंट आसान हो जाती है फिर फाइल कैसे बनाता है फिर क्लासेस कैसे होता है क्लासेस आपको पढ़ाएंगे फंक्शन कैसे होता है वेरिएबल कैसे होता है जब आप एक 10 साल के बंदे का प्रोजेक्ट को दिल से मेहनत करके देख रहे हो फिर वो शायद यूएस का कोड लिखा हुआ फिर आप किसी पाकिस्तानी का कोड पढ़ते हो फिर कभी किसी ऑस्ट्रेलियन का कोड पढ़ते हो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है ना आज तो उससे भी ज्यादा अवेलेबल है आज तो आपको चैट जीपीटी भी कर देता है तो फिर क्या आपके स्किल एडवांस नहीं होंगे जब वो पढ़ने के बाद आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ निकलने के लिए आपके दिमाग में होता है बट द क्वेश्चन इज हमारे यहाँ मुसीबत क्या है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के बाद चार पांच लाइनें लिख के अपने को एक्सपर्ट डिक्लेयर कर देते हैं एनहेंस वी से कि हमें किसी का कोड पढ़ने की जरूरत नहीं ये तो मेरा तजर्बा है डॉक्टर साहब आप भी प्लीज रिकमेंड करें कि हाउ दे कैन मूव फ्रॉम नेक्स्ट लेवल जी आ, मैं कई बार कह रहा है इनफैक्ट ये आपने बताया ही है कि आप जब भी कोई चीज बार बार पढ़ते हैं ना आपको लगता है कि ये फजूल सा काम है लेकिन अंडरलाइंग ब्रेन उसमें से अच्छे बेल्ट में जाके उसकी क्लास पढ़ता हूँ कि वो क्लास कैसे लिखी हुई थी उसमें से मुझे बाजा बड़े नए तरीके से एक काम करने का इंतहा आसान तरीका मिल जाता है जो मुझे पहले नहीं पता होता हाँ। तो ये एक्चुअली आप जब काम करते हैं आप उस एक काम को एक तरह करते हैं फिर आप देखते हैं कि किसी और ने कैसे किया था और यू कीप ऑन अच्छा ये, नहीं ये 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 ओवरनाइट नहीं होगा क्लियरली आपको पता होना चाहिए आप पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे आप एक तरीके से कोड करेंगे अगला थोड़ा सा ज्यादा मेचोर होगा उससे अगला थोड़ा सा मेचोर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता यू कीप ऑन बिल्डिंग एंड यू कीप ऑन गेटिंग मेचोर इसका कोई शॉर्टकट बेसिक आपने स्ट्रॉग करनी तो एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कभी कभी ना कल आप इन हाउस लेक्चर भी चढ़ रहा था आप लाइफ में ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में डालते हो उस तरह आपने प्रोग्रामिंग में भी खुद को ऐसी सिचुएशन में डालते हो जहाँ आपका दिमाग आपको बैकअप्स नहीं दे रहा होता लेट मी टेल यू हाउ ले वॉज अ टाइम मैं ये स्टोरी पहले भी बता चुका हूँ कि हाउ मैंने बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया तो जब मैं वर्ड प्रेस कर रहा था वर्ड प्रेस एंड जुमला में काम कर रहा था तो मुझे डॉटनेट सीखने का शौक था मेरा टीम लीड आया मैंने उससे कहा कि यार मुझे डॉटनेट में मूव करना है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उनको हर महीने में एक आध वेबसाइट कंप्लीट करके दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो आप एक महीने में काम इसलिए कर पा रहे हो कि आप उस काम में माहिर हो जब आप उन्हें कहोगे कि मैंने वो काम करना है जिसमें मैं माहिर नहीं हूं तो ऑब्वियसली आप उनको प्रॉफिट नहीं दे रहे तो वो आपको सैलरी दे रहे वो तो आपसे प्रॉफिट ही चाहेंगे तो यहां पे मैंने एक ट्रेड किया ट्रेड ये किया कि मैंने कहा जी मैंने डॉट एंड में आना है मुझे डॉट एंड में आना थे मुझे सी शार्प सीखनी है प्रोग्रामिंग करनी है उन्होंने कहा जी आप अच्छा खासा काम तो कर रहे हो मैंने कहा मैं आपका काम ऐसे ही करता रहूंगा लेकिन शाम को मैं घर से करके लाया करूंगा तो इंटीग्रेट करने, का करने के बाद मुझे आधे घंटे का काम होता है जिसपे मुझे कोई लगी पूरी रात रात पूरी लगाने के बाद अपने टीम लीड को मैंने आके कहा था हो गया कहता है कितनी देर में मैंने कहा मसला नहीं बस ऐसे हो गया अब कंप्लीट सुन लें मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि वो मुझे नलायक ना समझे और अगला काम देना बंद ना कर दे आपको कभी भी आपके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालेगा अगर आप नलायक हो आप अगर बुरे ड्राइवर हो तो मैं आपको अपनी गाड़ी की चाबी नहीं देने वाला कभी भी नहीं दूंगा और जब आप अच्छी गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो बड़े कैसे हो गए हाथ कैसे खुलेगा मैं तो आपको हाईवे पर नहीं जाना दूंगा ट्रेड करनी पड़ती है बाजूकात रिस्क लेने पड़ते हैं छोटे छोटे So just to, to save that impression, पीछे ठीक ठाक ख्वार होकर आया था, हो था नालायक तो मैं टिका के था ठीक ठाक ख्वार होने के बाद आगे आके बोला तो कुछ भी नहीं था और दे उसने और मुसीबत में डाल दिया फिर विकेट लगाया फिर उसको कंप्लीट किया यार आपको अपने साथ फाइट करनी है बड़ा होने के लिए सबसे बड़ी फाइट आपकी आपके साथ है कोई आपको कान से पकड़ के प्रोग्रामर नहीं बना देगा ये जो बातें छोटी छोटी बता रहा हूं ये आपकी पर्सनैलिटी डिवेलप करेंगे सोच डिवेलप करेंगे थिंकिंग डिवेलप करेंगे देन यू बिकम अ अ प्रोग्रामर प्रोग्रामर गुड आपको छोटे छोटे ट्रेड करने पड़ते हैं अब लास्ट मैं आपसे पूछता हूं वो जो एक कैलेंडर पूरी रात मैंने उस शख्स के लिए बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं उस टाइम फ्री कर रहा होता रात को मैं इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को सस्ता मत बेचे दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुआ जो अपनी जात पे लगाते हैं क्लाइंट के आपने वेबसाइट डिजाइन करके देनी है उसका डाटा एंट्री करनी है तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी आप वो बैठ के कोर्ट के साथ लड़ाई कब करोगे हालात से लड़ाई से फारे हो गए तो आप अपने आप को हमेशा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो मैनेज करते हो फोकस करते हो

डॉक्टर तो साहब को आप एडवाइस देना चाहेंगे बिफोर वी से जिन लोगों को हम नहीं करा उनके लिए मैंने पहले कहा था दस तो पंद्रह मिनट के लिए आ रहा हूँ एक ही है आप, आप जब तक कोई सोल्यूशन नहीं बनाएंगे लोगों का कोड नहीं पढ़ेंगे और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ऊपर पिन लगा के ना उसको समझेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करते किसी का कोड भी लें लेकिन उसे अपने हाथ से लिखें एक दफा दो दफा तीन दफा चार दफा बहुत जरूरी बात मैं भूल गया था बहुत जरूरी बात किया <clears throat> हमारे जब हम कोडिंग कर रहे थे उस वक्त चैट चैट नहीं होता था। स्टैक और फ्लो होता था था स्टैक लेकिन आप चैट ने वक्री मुसीबत डाल दी आप लोगों ने उससे भी बस टेक्स्ट टेक्स प्रॉम्प्ट करा, करा करा के कोडिंग करानी और फिर उसको उठा के डाल देना है मेथड के अंदर उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है होगा पहला तो आप अपनी ग्रिप खो बैठोगे आप लॉजिकल अपनी सेंस खो बैठोगे मैंने इसकी पहले भी एग्जांपल दी थी एक और नुकसान होगा जब आप मेथड को फंक्शन को क्लास को कोड के स्क्रिप्ट को स्निपिट को कॉपी कर रहे होते हैं वो लिखा गया होता है एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप उसको फिट कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे ही है जैसे मेरे डिजाइन की शर्ट डॉक्टर साहब पहने या डॉक्टर साहब की शर्ट मैं पहनू हम दोनों बुरे लगेंगे वजह क्योंकि वो हमारे हिसाब से टेलर नहीं की गई और इवेंचुअली जब आप इतने कॉपी पेस्टिंग कोड में कर देते हैं तो एंड में एक्चुअली प्रोजेक्ट क्लोजर बहुत मुश्किल हो जाता है कोड को खुद लिखें प्रैक्टिस करें समझें आसान सोल्यूशन को खाने की जरूरत नहीं है तो फिर मेरा ख्याल में यू विल बिकम एन एक्सपर्ट थैंक यू वेरी मच जनरल अपोलॉजीज फॉर ऑल ऑफ दोस्ट जिनको मैं ज्वाइन नहीं करा कर पाया बट इनशाला टाइम आएगा जब हम ढेर सारी बातें किया करेंगे थैंक यू जी अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज यहाँ से कोई गया नहीं बहुत अच्छा ओके जी बाय बाय